भारतीय कृषि से हर साल 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का भरण पोषण होता है, लेकिन हमारे देश का ज्यादातर कृषि उत्पादन इस लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। आजादी के बाद के दशकों में भारत दुनिया भर के खाद्यान्नों, सब्जियों और फलों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बन गया है। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण जीवन निर्वाह साथ साथ दैनिक पसंदीदा खाद्य पदार्थों में से एक चावल का वैश्विक उत्पादन 50 करोड़ टन होता है, जिसमें से 12 करोड़ टन यानी लगभग 24% भारत में उगाया जाता है। और भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ उपभोक्ता भी है। हमें दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक होने का गौरव हासिल है। ये उपलब्धि भारत के कुछ प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे कि IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की निरंतर कोशिशों के कारण मिल पाई है। ये संस्थान चावल की ऐसी नई उच्च उपज देने वाली किस्मों को लगातार विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु में पनप सकती है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम IARI के परिसर का दौरा करेंगे। इस शोध संस्थान ने भारत को खाद्य और पोषण सुरक्षा हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल IARI 60 के दशक में भारत की हरित क्रांति का केंद्र रहा है। तब से आज तक IARI ने अच्छी पैदावार देने वाली चावल और अन्य फसलों की कई मेगा किस्मों को विकसित करने की विरासत को जारी रखा है। ऐसी फसलें किसानों को ज्यादा आय देती है और निर्यात से होने वाली भारत की आय में वृद्धि करती है। चलिए इस एपिसोड में हम चावल की कुछ नई किस्मों पर बारीकी से नजर डालेंगे और देखेंगे कि वे किस प्रकार हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कड़ी मेहनत से विकसित की जाती है। जैसे कि बासमती मेगा चावल की किस्म पूसा 1121, जिसे दुनिया के सबसे लंबे पके हुए चावल का गौरव हासिल है। हम अनाज और अन्य उच्च उपज देने वाली पूसा बासमती 1509 और 1718 किस्मों को भी देखेंगे। इनकी खेती लगभग 18 लाख हेक्टेयर में की जाती है। दरअसल IARI के महत्व का अंदाजा निर्यात के आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है। प्रीमियम बासमती चावल से देश को सालाना लगभग 25,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि IARI की अन्य किस्में इसमें लगभग 80,000 करोड़ मूल्य के लगभग 5,50,00,000 टन अनाज का योगदान देती है। So there we have almost 20 new varieties of basmati rice have been. तो यहाँ बासमती चावल की लगभग 20 नई किस्में विकसित की गई हैं, और मुझे यह कहना होगा कि भारत सालाना लगभग 30,000 करोड़ के बासमती चावल का निर्यात कर रहा है, और यह सीधे बासमती चावल उगाने वाले किसानों को लाभान्वित कर रही है। इसलिए जब आप बासमती किसानों की समृद्धि को देखते हैं तो यह अभूतपूर्व है, वो चाहे शिक्षा के संदर्भ में हो या चिकित्सा सुविधा के संदर्भ में या बाकी अन्य सुविधाएं, जिसका लाभ अब वो सभी किसान उठा रहे हैं। They can afford to avail and their general facilities at house they have. इसके अलावा और भी काफी कुछ देखिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में केवल इंडिया साइंस पर।